इंदौर सांसद शंकर लालवानी के सुझाव पर इंदौर नगर निगम ने बिना सोचे समझे असंवैधानिक सेल्फी स्थल 56 दुकान पर अंध भक्तों के लिए बना दिया। सारा शहर स्ट्रीट लाइट के अंधेरे और गड्ढों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद सांसद की मंशा पर मोदी भक्तों के लिए सेल्फी पॉइंट 56 दुकान पर बनाया गया है। इसमें लिखा है वी मोदी। घोर आश्चर्य है कि लव जिहाद के कानून वाले प्रदेश में नफरत के बीज बोने वाले लव की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाने वाले और नफरत की राजनीति करने वाले अब सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं हैशटैग वी लव मोदी, जबकि इनको बनाना चाहिए हैशटैग वी लव जिहाद मध्य प्रदेश। ऐसी राजनीति करने वाले जो प्यार को भी बांटते हैं, विश्वास को भी बांटते हैं, वो आज उस हृदय स्थल पर जिसे 56 दुकान बोलते हैं वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है जिसमें यह स्लोगन दिया गया है। ये वो 56 दुकान है जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के विजन से बनी थी, उनकी सोच का परिणाम का नतीजा है। ऐसी जगहों पर इस तरह के स्लोगन लगाना और राजनीतिक विद्वेष पैदा करना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आज भी लव जिहाद पर आधारित है। इनको ये भी स्पष्ट करना चाहिए क्या वहां जो सेल्फी लेने जाएंगे उनको अपना आधार कार्ड बताना पड़ेगा, वरना लव जिहाद का केस तो नहीं हो जाएगा उस स्लोगन के साथ फोटो लेने पर। वैलेंटाइन डे पर लव के खिलाफ नफरत का जहर उगलने वाले 17 सितंबर बेरोजगार दिवस के अवसर पर वी लव मोदी की नौटंकी कर रहे हैं। इसके साथ इस बात की भी जांच होना चाहिए कि कौन से नियम के अंतर्गत जनता के पैसों का दुरुपयोग करके नगर निगम ने इस तरह के स्लोगन वाली सेल्फी स्थल बनाया है। क्या यह उचित है? किसी भी व्यक्ति का महिमा मंडन करना और वो भी राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, यह जनता के पैसे की बर्बादी है। और इस तरह की राजनीति लोगों के इशारे पर नगर निगम का काम करना ये दर्शाता है कि नगर निगम सिर्फ एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है।